আজকে আমরা এসেছি কলকাতার সায়েন্স সিটিতে, খুবই চমৎকার একটি জায়গা। এখানে আপনারা ফ্যামিলি সহ ঘুরতে আসতে পারেন, মোটামুটি একদিন সময় হাতে নিয়ে আসবেন, কলকাতা থেকে খুব কাছে। চমৎকার একটি জায়গা, ছোট থেকে শুরু করে বড়রা সবাই এখানে আনন্দ পাবে। আমরা এখন ঢুকতে যাচ্ছি একটি শোতে, যেখানে ডাইনোসরের যে ডাইনোসর কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং ডাইনোসর কীভাবে বিলুপ্ত হয়েছে সেটা দেখবো আমরা। कहते हैं कि 407 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। फिर इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। साढ़े 300 करोड़ वर्ष पहले प्रथम कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही फ्लैटवॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉयड्स सागर भर गया। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहां जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डांक्लियोस्टस। इसके बाद हमारा मुकाम होंगे डेवोनियम, कार्बोनिफेरस और परमियन युग, जिसके मुख्य और जटिल जीवन रूप थे डिमेट्रोडॉन। ये देखो डायनासोर, ये देखो, देखो 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 देखो। लगभग 35 करोड़ वर्ष धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए बढ़ते गए। ये देखो 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 देखो, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं इक्टियोस टेगा जैसे आविर्भाव जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसियप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनाथस केवल लगते थे। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती है। एक मीटर तक डायनोसर एवं बिच्छू पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी, भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। देखे तो कत मजा, কত সুন্দর ডাইনোসরটা দেখবা, ধরবা। এই যে এবার সামনে যাই, ঠান্ডা এই দেখ, कछु
उन नगर बच्चों का जन्म हंस करो वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाजोस्ट्रोडो चूहे जैसे जो कि एक टेनिस कोर्ट और इनका वजन सरसिर्फ आकाश और सागर में भी छा गए थे। समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरसिप यूडिमॉर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हें दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरस का उदय हुआ। शिकारी और शिकार के बीच का संघर्ष चलाने वाला जिब्रासी द्वीप में और विकसित हुए उन्नत सरीसृप जैसे कि टुजियागोस्वर्स, स्टेगोस्वर्स, सलाइबोस्वर्स, कॉम्सोमनेसिस आदि ज्वालामुखी के विस्फोट इस युग की खास पहचान है। ये बार सुंदर डायनासोर है। ये देखो हमारे दिखे तकाओ ऐसे तकाओ अगले 10 करोड़ वर्ष के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण डायनासोर के स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय पेड़ों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके वजह आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर लोका के बाल की तरह एक अंक हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर के काम को नियंत्रित करेगा। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइरस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तीन धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और कोरिनोसॉरस की पीठ पर गर्मी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरामोरा उड़ने एवं फिसलने के पाए थे। समय में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेसिया और गोंडवाना नाम के दो महादेशीय रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। विशाल मांस पक्षियों का योग जब इस ग्रह पर टायरानोसॉरस, अनैटोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स, अंकाइलोसॉरस, कोरिनोसॉरस, पैरासॉरोसॉरस का आधिपत्य था, कुछ हवा में उड़ जाते थे। आइए हमें उड़ान पर ले चलेंगे टायरानोसॉरस। ये देखो एक सुंदर डायनासोर देखो स्वतंत्र रूप से सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए
कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इनके हमले से बचने के लिए एंकिलोसॉरस अपने पूंछ के मुटकर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6 वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुहिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न हजारों वर्षों तक सूर्य के धरती पर पहुंचने से रोक दिया था। समय के साथ और एंजियोस्पर्म का कैसे विकास हुआ। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज लिम्फिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लिम्फ टर्सियम जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। ट्रायमा जैसे अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं होते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी थी एवं घरों पर बर्फ की चादरें बिछ गई थी। आइए आप जानते हैं चतुर्थ युग में हुई जलवायु की उथल पुथल के बारे में और शीतलों में पनपे लंबियों का रुख। ये देखे कौन हमारे पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तर के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे। देखो, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। आइस एज। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रूमीदार गैंडे, रूमीदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मडिलोस भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी भारतीय विरासत का भी इसी बहुत ही पहले दौर पर आनंद लिए। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए साइंस सिटी में।